आज रायबरेली पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली को कई बड़ी सौगातें दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में सौगातों का पिटारा खोलते हुए पहले से प्रस्तावित 4100 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाओं के अलावा 3 अन्य परियोजनाओं को स्टेज से मंजूरी दी। दरअसल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने इन मांगों को रखा था, जिसे नितिन गडकरी ने स्टेज से ही मंजूरी देते हुए 6 महीने के अंदर काम शुरू करने का वादा किया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने मीडिया को भी चैलेंज करते हुए कहा कि मेरी बातों को नोट कर लेना, अगर मैं वादा पूरा ना करूं तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना, जो संभव नहीं है क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नितिन गडकरी यहां रायबरेली से जुड़ी 4100 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इनमें मुख्य रूप से 1400 करोड़ की लागत से रिंग रोड फेज 2, पराग ज्वेरी से ITI तिराहे तक उप गरिमा सेतु व फिरोज गांधी चौराहे से शहीद स्मारक तक डिवाइडर रोड शामिल है। इसी दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने रायबरेली से लालगंज तक 4 लेन रायबरेली लखनऊ मार्ग पर बछरावा में बाईपास और इसी मार्ग पर मोहनलालगंज से लखनऊ तक 4 के साथ ही लालगंज में बाईपास की मांग कर दी। नितिन गडकरी ने मांग रखे जाने के बाद मंच से बछरावा में 158 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबे बाईपास, रायबरेली से लालगंज तक लगभग 28 किलोमीटर 4 लेन, रायबरेली लखनऊ मार्ग पर मोहनलालगंज में 333 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर तक 4 लेन व लालगंज में 2 किलोमीटर लंबे बाईपास को मंजूरी दे दी है। पिछले अनेक दिनों से दिनेश प्रताप सिंह जी मुझे आग्रह से कह रहे थे कि मैंने रायबरेली आना चाहिए। मैंने उनको यह कहा था कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम करेंगे और रायबरेली के जो कार्यक्रम है वो प्रतापगढ़ में ही करेंगे, तो उन्होंने आग्रह से कहा था कि नहीं, आपको किसी भी हालत में, मेरी इच्छा है आप एक बार रायबरेली आइए। उन्होंने आग्रह किया, कार्यक्रम बना और आज सबका, आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत ही अभिमान का विषय है। मैंने अपने ऑफिस में दिल्ली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं युवा अवस्था में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई में, तो मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जब मुंबई में जाते होंगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा सेतु बना है, वर्ली बांद्रा सीलिंग, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पुणे के बीच में मैंने देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात का पता चला, उनने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि शहरों में तो अच्छे रोड बने हैं, पर हिंदुस्तान की आबादी गांवों में रहती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।